चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। कनेडा च पढ़ाई करन दा सुपना देख रहे भारतीय विद्यार्थियों लई बुरी खबर है। कनेडा दी ट्रूडो सरकार ने विद्यार्थी वीजा परमिट विच 35% कटौती करन दा फैसला किया है। इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने ऐलान किया है कि कनेडा विदेशी विद्यार्थियों के परमिटा नू 35% तक घटा देवेगा। यह सीमा 2024 परमिटा की गिणती घटा के 364,000 कर देवेगी। इस साल के अंत में 2025 की सीमा की दोबारा समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इसका असर उन्हां अधारियां ते पवेगा जो विदेशों तो आने वाले विद्यार्थियों तो मोटियां फीसा वसूल रहे ने अते विदेशी विद्यार्थियों की गिणती विच लगातार वाधा कर रहे ने। इस विच मास्टर्स अते PhD लई अपलाई करने वाले विद्यार्थियों नू सीमा तो छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह आबादी के आधार उत्ते सूबे द्वारा कैप स्पेस अलाट करनगे, भाव कुछ प्रांतों विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की मंजूरी विच भारी कमी वेखण नू मिलेगी। कनेडा सरकार नू विदेशी विद्यार्थियों की वधदी गिणती कारण कनेडा के कई शहरों विच गैस्ट हाउसा की घाट का सामना करना पै रहा है। कनेडा इस समय करां की भारी घाट का सामना कर रहा है। 2022 दे विच 8,00,000 तो वध अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नू अस्थाई स्टडी वीजे जारी किए गए सन। मिलर ने आखिरी वार कहा कि 2023 की गिणती 10 साल पहला मनी गई गिणती तो 3 गुणा वध होगी। मिलर ने कहा कि बहुत सारे खेतरां विच पोस्ट सेकेंडरी संस्थावां साडे प्रांतां द्वारा घट फंड हन। उन्हां दोष लाया कि संस्थावां नूं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों तो उच्च ट्यूशन फीसा वसूलन लई उत्साहित किया जा रहा है क्योंकि उन्हां कोल घरेलू विद्यार्थियों लई ट्यूशन वधाउण लई घट छोट है। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिणती उत्ते कैप लगाउण दा विचार महीनिया तो घूम रहा है। मिलर ने पहला नोट किया है कि एक सीमा हाउसिंग की घाट लई एक आकार फिट सारा हल नहीं होवेगा क्योंकि महंगाई, जनतक रिहायश की घाट अते नवे निर्माण विच रुकावटां घाट नू प्रभावित करन वाले सारे कारक ने। मिलर ने जोर दे के कहा कि सीमा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नू सजा देण दा इरादा नहीं है जो इस देश लई एक कीमती संपत्ति हन, पर यह यकीनी बनाउण लई कि उन्हां दे तजर्बे अते सिक्ख्या नू पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार योग है कि कुछ निजी संस्थावां ने ट्यूशन दियां कीमतां वधा के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का लाभ लिया। चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।